नमस्कार दोस्तों, एक मिनट में स्वागत करते हैं गॉस थ्योरम का। आइए देखते हैं गॉस थ्योरम क्या कहता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। चार्ज कहां होता है? इनसाइड द सरफेस। फार्मूला क्या होता है? फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। इसको प्रूव भी कर सकते हैं। ये हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है या आपके पास गोला है, इसके अंदर चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। इससे r डिस्टेंस पर एक स्मॉल सरफेस है ds। यहां पर हम क्या करेंगे, देखो सरफेस है यानी कि गोल है, गोला है, तो यानी कि जो आपका सरफेस एरिया होगा उसी की डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होता है, तो एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। इसलिए मैंने यहां पर लिखा है e वेक्टर एंड ds वेक्टर, एंगल कितना है? 0 डिग्री। आइए इधर आइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट चाहिए कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? e इक्वल टू 1 / 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। अब इस सरफेस से लिंक टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डीएस कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? 0। 0 रखा, कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है? 1। ई कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इतना आया। और डीएस का मतलब क्या होता है? क्लोज डीएस का मतलब क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और ई की वैल्यू कितनी है? ये लिखी है, यहां रख दिया। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, फाई इक्वल टू कितना आ गया? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका सॉल्व हो गया। बिना वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आऊंगा।